Johnny Test. Johnny Test. खड़े बाल और है बैक पैक न्यारा. Johnny Test. ज्यादा ही है कुछ बहनों को ये प्यारा. Johnny Test. क्या की तो बात ही क्या मॉम भी है बिजी. Johnny Test. बोलने वाले डॉग से लाइफ हुई इजी. बोलने वाला डॉग. रोज नया कोई हंगामा हर रोज नहीं कोई बार. कभी और कभी बड़े लाओ. कभी कभी तो बस से बाहर हो जाते हैं हाला. जाते हैं हाला. Johnny Test. Johnny. Johnny Test. बनेगा ये दोस्त तुम्हारा सबसे बेस्ट. ऐसा ही है Johnny. Johnny Test. Johnny Test. बनेगा ये दोस्त तुम्हारा सबसे बेस्ट. खेल का राजा हूँ बबुआ. हाँ पर रानी खा गई. ए बबुआ तू अगर उसका ढो डाली तो तुमका वाटर ब्लास्टर मास्टर का प्लास्टर टाइटल जरूर मिला है. चलो मैडम आपकी बिचारी. धुलाई का शावर टावर ये आपको धोने के साथ साथ ड्राइंग भी करेगा. मर गए ये तो फुल स्पीड में आ रहा है. छोड़ूंगा नहीं उसे. क्या मैं अंदर. वाह क्या ख्याल है छोरे की. कचरा भी ऐसे फेंकने जा रहा है जैसे मॉडलिंग कर रहा हो. इसे तो रैंप वॉक करना चाहिए. क्या तुम देर को जप्पी शप्पी देना चाहती हो. मैं मदद कर सकता हूँ पर पहले तुम्हें मेरे लिए जंबो पिचकारी बनानी होगी जिससे मैं सीसी को स्ट्रिंग बोर्ड कर दूंगा. इस सब्जी कैसे तोड़े. तुम दोनों का निशाना कितना बेकार है पर पिचकारी झकास है. झप्पी दो और ये पिचकारी लो. देखो गेर को फंसाना तुम्हारे दोनों हाथ का खेल है. तुम दोनों दूसरे लड़कों से ज्यादा बात करो ताकि गेर जलकर भट्टी बन जाए और तुम दोनों से भट्टी हो जाए. झप्पड़ हम सारा दिन लैब में बैठे रहते हैं तो फिर हम लड़के कहाँ से ढूंढेंगे. बोस ढूंढोगे क्यों. यहाँ बनाओ. क्या बात है हम किसको फुल बॉल बॉक्स बनाएंगे जो हम पर लाइन मारेंगे और जिनकी सारी लाइनें कट जाएंगी. राइड एंजॉय करो. का ख्याल है तेरा ये बॉय बॉक्स वालों से गिर जलेगा. हमें क्या हमें तो ये जंबो पिचकारी मिल गई है. चलो जाकर चलो हाथ साफ करते हैं. हैंड्स अप निया तुम दोनों तो. ये है तीन नमूने बेल बेल और बेल. क्या स्टाइल है. हमने इनके डीएनए में लव के साथ साथ इमोशन का भी तड़का लगाया है तब से मेरे मजलू बन गए. तुम लोग भी चाहो तो नहा धोकर स्केट बोर्ड भाग आ सकते हो. ओ मिसी हमें सीसी से बदला लेना है. ओ मेरी बिल्ली रानी मेरी छतरी के नीचे जल्दी से आजा रानी. ओ मेरी कन्या कुमारी. हाय सुजन. हाय मैरी. हाय ये शिकली तुम्हारी बॉयफ्रेंड है क्या. हाँ हम फुल टूफी है. डेट पर चलना है फूल पार्टी में जाना है. बोलो बोलो और क्या करना है. फूल मेरे घर में एक फूल पार्टी है. मेरी शान बढ़ जाएगी अगर तुम आओगे तो. ये सीखनी अलाउड नहीं है. हाँ लेकिन क्यों नहीं आ सकता है. देखा ये गोरा छोरा जलकर काला पापड़ बन गया. गेल 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 जब देखो उसके लिए मचलता है तुम्हारा दिल. तुम तीनों तो प्रीपेड हो वही हमारी लाइफ टाइम वैलिडिटी है. लगता है हमें उसका कनेक्शन कार्ड देना चाहिए. लगता है इमोशन का केमिकल को ज्यादा ही डाल दिया. चूहों से जीत कर क्या फायदा. सबसे मुकाबला करो. कितने देर से लाई नहीं हो. क्योंकि आज हम तुम्हें धो डालेंगे. हाँ?
खबरदार जो अगली बार ऐसा घटिया आइडिया दिया तो बॉय बॉक्स गिल को मारने जा रहे हैं। अब तुम्हें ही उन्हें रोकना होगा वरना हम इन्हें वापस ले लेंगे। तुम्हारे भाई के होते हुए गिल को कुछ नहीं होगा। तुम गिल को संभालो, हम बॉय बॉक्स को संभालते हैं। जाओ लगिए इस बार तुम जम के होली खेली है। ये तो गए काम से। ये क्या इतना अंधेरा क्यों है भाई? अच्छा है बप्पे बापू नहीं है वरना सीखना मुश्किल हो जाता। रुक जाओ वरना तुम्हें जम्बो पिचकारी से पिचक देंगे। सुनो तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, तुम गिल को मारने की बात भूल जाओ और गुड बॉस की तरह लैब में चले जाओ। वो देखो गिल है। उन्हें उल्लू बना क्या है जॉनी? कौन बोला? ये टाइटेनियम से बनी है, यही एक ऐसी चीज है जिसे वो नहीं काट सकते। मतलब हम सब सेफ हैं। हाँ हम सेफ हैं, लेकिन उनका क्या होगा जो बाहर है? क्योंकि अब तक तो बॉय बॉक्स का पारा सातवें आसमान पर होगा। जरा शॉर्ट करके बोलिए। अगर बच्चों ने उन पर पानी डाला तो वो और ज्यादा भड़क जाएंगे। तुमने उन्हें बनाने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा? सोचा तभी तो उनके कानपुर में कंघा किया। अगर उनके कान पर पानी का अटैक करो तो उनके खोपड़े का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और वैसे हमारा निशाना तो तुमने देखा ही है, इसलिए ये काम तुम करोगे। उन्हें ब्लास्ट करने से पहले हम ब्लास्ट कर गए तो क्या होगा? सब कुछ हमसे क्या पूछते हो? खुद भी तो कुछ सोचो। हम सैटेलाइट पर पिचकारी फाइट लाइट देखेंगे और गिल को संभालेंगे। चलो गिल को ढूंढा जाए। ओ मियां बकरे खुद चल कर इधर को आ रहे हैं। कोई माँ तुम दोनों यही रुको। तुम्हारे पर्सनैलिटी एकदम टेढ़ी मेढ़ी है इसलिए लड़कियाँ दूर भाग रही हैं। हम मशहूर फैशन कंसल्टेंट हैं जहना और ड्यू का। क्या प्रॉब्लम है? वो गिल को भूलकर फिल का नाम क्यों नहीं लेती? क्योंकि गिल के पास एकदम झकास रैपिड है जो तुम्हारे पास नहीं है। पर जब तुम इस हैट को पहनोगे सारे शहर की लड़कियां एकदम फ्लैश हो जाएंगी। कानपुर में हमला करो। एक विकेट डाउन टू नॉट आउट। म्युनिसिपैलिटी का नल इसी दिन के लिए तो लगाया है। हेलो अब गिला छोड़ूंगा नहीं। नो को मारने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। तो ई सर्किट को शॉर्ट सर्किट काहे नहीं लग रहा है? जॉनी हमें बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इस बॉय बॉक्स के कान में हेडफोन है, शायद वो म्यूजिक सुन रहा होगा। मेरे नाक और कान में ये प्लग लगे हैं। गिल को ढूंढने के लिए तो मैं पूरे शहर को बर्बाद कर सकता हूँ। अलीपा वैसे तो खीर पूरी खाई जाती है लेकिन लगता है पानी पी पीकर ही पेट भरना होगा। हमारा हेयर स्टाइल बदलने से हम कोई गिल थोड़ी बन जाऊंगा। जाओ और गिल की मिमिक्री करो। पर हम तो तुम मुझे ढूंढ रहे थे। मैं हूँ गिल। अगर तुम गिल हो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब कौन सा मिमिक्री करूँ? भागो, यही तो हमारा फालतू प्लान था। अपना पली का पकड़ा बनाई दिया। यही तो प्लान था। बहुत घटिया प्लान था। और
बस से कहाँ जाएंगे? आपकी बोलती तो हम बंद करेंगे। मैं जीता, शहर को बचाना, बाय। इका सॉरी बोल दो, इस ससुर के नाते हमका इस बीच करी जब मारेगा तो हम सब बह जाऊंगा। एग्जैक्टली। जेल को छोड़ूंगा नहीं। ये पानी वापस आएगा। यही तो प्लान है। लॉन्ग टर्म। तो हम तो गए काम से, बॉय बॉक्स। तुम्हारा छोटा भाई हमेशा जीत कर ही आता है। मैंने तुम्हें अपनी पार्टी में इनवाइट किया और तुमने मुझे बॉक्स में बंद कर दिया। एक मिनट जरा सुनो, मैं समझाता हूँ। आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जॉनी तुम आ जाना। लगता है सैटेलाइट टीवी से ही काम चलाना पड़ेगा। ये फर्टिलाइजर है बेटा, सुना है इससे फूल जल्दी खिलते हैं। मैंने बेस्ट फ्लावर कंपटीशन में हिस्सा लिया है। फर्स्ट प्राइज है पूरे 3 रुपए। डैड, 3 रुपए से ज्यादा गंदे फर्टिलाइजर ही है। नहीं देखो ना, फूल भी सर झुकाकर सो रहे हैं। डैड जब आप चिल्लाते हैं तो कभी कभी मैं भी डर जाता हूँ। इनको भी चिल्ला के डराइए। 11 साल का एक्सपीरियंस है। फालतू कहीं के अभी तक सो रहे हो, जाग जाओ वरना तुम्हारा डिनर बंद। थैंक्स जॉनी। क्या बस इतना ही? इन लाल फूलों को जिंदा करने का आइडिया मैंने दिया। थैंक्स कहकर सस्ते में पढ़ा रहे हैं। महंगाई का जमाना है, 3 रुपए में से 1 रुपए मुझे देना। अब चॉकलेट खाने मत चले जाना। बोलो कौन सी दूँ? डॉग बीबल्स की ये हनी बंच बार लो, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसे बार बार खा सके। मैं तो ऐसे ही कह रहा था, ये चॉकलेट बिकती ही नहीं। ये वाली चॉकलेट टेस्ट करो, इसमें चॉकलेट नट्स और स्ट्रॉबेरीज है, खाते ही जान बनेगी। चलो इसे ट्राई करते हैं। चलो। मेरी पूरी दुकान खाली कर दी, बस ये हनी बार छोड़ गई। हाँ सब कान खोल कर सुनो, ये लगे के घर में कौन है? मैं हूँ बी कीपर, यानी मधुमक्खियों का सरदार। मैं तुम सबको चेतावनी देने आया हूँ कि गंदी चॉकलेट खाना बंद करो। अगर तुम चॉकलेट और टॉफी खाना बंद करोगे तो ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक बनोगे। इसे धमकी मत समझना। चलो मधुमक्खियों। मधुमक्खी किसी भी चुन्नू मुन्नू को चॉकलेट खाने नहीं दे रही। हेलमेट पहने हुए येलो येलो डर्टी फेलो ने अपनी मधुमक्खियों के साथ मिलकर शहर की सारी चॉकलेट चुरा ली। पर हेलमेट वाले ये बंदर आखिर है कौन, जिसकी वजह से मुझे भी चॉकलेट खाने को नहीं मिल रही? हमारे स्पॉन्सर्स इसके बारे में क्या कहते हैं सुनते हैं। ये मीठी है, ये खट्टी है, खाए बूढ़े और जवान। खाइए मेरी हनी बंच बार, खाए तो एक बार मांगे हर बार। मुझे इस अंदर से सड़ी हुई हनी बंच बार नहीं खानी, चॉकलेट खानी है। अरे छपरे, हम GPS सिस्टम को हैक करके चॉकलेट के ट्रक को डाइवर्ट कर दिया हूँ। बाहर जाके देखिए, तेरे लिए सरप्राइज है। हम तो चॉकलेट खाएंगे। कितनी सारी चॉकलेट खाओ, मैं तो पूरे महीने तक खाते रहूँगा। पूरा ट्रक साफ, अब क्या खाई है? मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, आइंदा गलती की तो ये 2.5 किलो का हाथ तुम पर पड़ जाएगा। बोलो भेजे में बाहर घुसी थी नहीं? बाहर घुस गए, कितना चिल्लाकर हम बहरे नहीं है। मधुमक्खियों हमला।
मिस्टर व्हाइट मिस्टर ब्लैक को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। ये दोनों काम चोर घर में खा खा कर सिर्फ सोने का काम कर रहे थे। अब ये उन्हीं से उनके गेम प्लान के बारे में पूछ ले। बात ये है कि क्या हम लाखों करोड़ों मधुमक्खियों को पकड़ सकेंगे, इसके लिए हमें चाय पीते पीते कुछ सोचना पड़ेगा। चाय तो पिला रहे हो, बिल भी सोचो तुम ही दोगे। वक्त आने पर वो हो जाएगा। मुझे लगता है वो बी कीपर मम्मी दादी का काम आसान कर रहा है। तुम बच्चों को चॉकलेट खानी छोड़ देनी चाहिए। और शायद मधुमक्खियाँ भी आ रही है। हम मधुमक्खियों से पंगा नहीं लेंगे, वो तो हमें खाली देती है। वो फ्लावर को पॉलिनेट करके उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है, पर डैड की फ्लावर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इस तरह सोते रहने से हाइट नहीं बढ़ती, चलो जल्दी से बड़े हो जाओ ताकि मुझे फर्स्ट प्राइज मिले पूरे 3 रुपए। बात बताओ, चॉकलेट खाना जरूरी है क्या? हाँ, जरा देखो मुझे, मैं भी खोने जा रहा हूँ। बच्चों के लिए चॉकलेट जरूरी है। जन्म जन्म के भूखों के लिए चॉकलेट आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, कुकीज और चमत्कार हो गया। पूरे शहर में चॉकलेट के दीवाने भूखे बच्चे पाइस खाकर अपने मुंह का टेस्ट बढ़ा रहे हैं। उस पाई का टेस्ट झकास है। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम सब खुद को होशियार समझते हो जब पाई और दूसरी मीठी चीजें खाकर मजे कर रहे हो। पर बहुत जल्दी तुम सिर्फ ताकत बढ़ाने वाली हरी चॉकलेट खाओगे, क्योंकि मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। ऐसा कह बताऊंगा कि भूख पेली में कोई दूसरी फ्लेवर की चॉकलेट नहीं बचेगी। सारी चॉकलेट समझो खाती हूँ। सुनते हैं स्पॉन्सर का क्या कहना है। सुनो बच्चों, उदास ना हो। अगर दूसरी कोई चॉकलेट नहीं मिलती तो मेरी ये हनी बार चॉकलेट खाओ, इसे मधुमक्खियाँ नहीं ले जाएंगी। ये बहुत ही हेल्दी और अच्छी है, प्लीज ट्राई करो मेरी हनी बार चॉकलेट। कोई क्यों नहीं खाता? मुझे ये सड़िया चॉकलेट नहीं खानी। और हमको भी पाई पसंद है, उस सड़िया चॉकलेट नहीं। हमें उन मधुमक्खियों को और बीकीपर को रोकना होगा। चलो लैब चले। ये चॉपर मार मशीन है, 1 सेकंड में 1000 चॉपर मारती है। जॉनी, जब तुमने पहन लिया है तो तुम्हें ट्राई कर लो। हमारे पास कोई और प्लान है? हमारे एक्सपेरिमेंट में लोचा होना तो पक्का ही है। मेरा फंडा कर देगा दुश्मन को ठंडा। ऊपर देखो मधुमक्खियों के पूरे टोले भागो। भागो तुम तबाकर, तुम इसी लायक हो, वरना मधुमक्खियाँ काट लेंगी। ये सब इसी तरह सुध रहेंगे। मधुमक्खियों की रानी राजा नहीं हो सकता। सुनो, और मधुमक्खियों के लिए बीकी पर उनका आर्टिफिशियल मास्क है, पर अगर तुम मधुमक्खियों की महारानी बनकर उनके पास जाओगे और उन्हें अपने एक्टिंग से बचाओगे, फिर उनकी महारानी बनकर ऑर्डर दोगे और फिर वो तुम्हारा हर कहना मानने लगेंगे। अगर तुम चाहो तो परमानेंटली उनके साथ रह सकते हो। पर मुझे उड़ना नहीं आता। पर अगर मधुमक्खियों ने मुझे महारानी नहीं माना तो फिर मेरा क्या होगा? फिर तो तुम्हारा नक्शा ही बिगड़ जाएगा और फिर अगले 60 साल तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं चॉकलेट के लिए कुछ भी करूँगा। जॉनी बच्चा सबसे अच्छा। देखो मेरी बात न मानने का अंजाम। हमारा दोस्त मधुमक्खी का शिकार बन गया। हमारा जॉनी बहुत बहादुर है। जजेस बस 1 मिनट में आते ही होंगे। तुम जैसे हो वैसे ही रहना लाल लाल प्लान। मेरे प्लान जीरो बॉक्स उतर जा रहा है। तुम
मेरी मधुमक्खियाँ उसके पीछे, मैं हूँ उन मधुमक्खियों का सरदार। चारों हरी बैग में डाल दिए हैं, अब मधुमक्खियाँ उसे पॉलिनेट करने जरूर आएंगी। तुमने इसमें फ्लेवर क्यों डाला है? ताकि मधुमक्खियाँ तरह इस हनी वैन के बैंड बजा दें। मैं तुम्हारी महारानी हूँ, मुझे हमारा शिकार मिल गया। ओ, नहीं, मैं तुम सबके सरदार हूँ, मुझे कुछ मत करना। चलो एक साथ झूठ मारो। मैं तो गया काम से। मेरे हनी बार की बैंड बज गई, मेरी सारी मधुमक्खियाँ भी चली गई। और अब तुम भी जाओगे जेल में मधुमक्खियों के सरसर सरता। जरा इनको बांस बजाते हैं। इनके करने हनी बांस बजाने के लिए इन्होंने ये सब किया। तुमने मेरे पूरे प्लान को चौपट कर दिया। मेरी चॉकलेट सब खरीदने वाले थे, पर इस 2x2 ने कबाड़ा कर दिया। इन दोनों लड़कियों और इस बोलने वाले डॉगी के साथ मिलकर छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें मेरी हनी बार चॉकलेट दूंगा। डॉक्टर बीबल ने इतनी दवाई की सिर्फ इस हनी चॉकलेट के लिए, जो कहते हैं हमारे लिए बहुत हेल्दी है। ये तो टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। मजा आ गया। सच में बहुत टेस्टी है। टेस्टी आ गया। बबुआ तू बात हमरी मान, जॉनी एप्पल खा के बनाई ले जान। ये नवाब साहब सिम वाले, रुक रुक कान और स्मॉल बेबी सारे के सारे आम लोग थे, पर उन्होंने कुछ ना कुछ खास हम खास किया, जिससे लोगों की बताने जैसी नजरों में वही छो गए और उन पर म्यूजिक वीडियोस और गाने बनने लगे और हिस्ट्री में लोगों के दिलों पर छा गए। क्या तुम भी अपनी लाइफ में ऐसे ही कुछ झंडे गाड़ोगे या आलसी बनकर पूरे दिन वीडियो गेम्स खेलते रहोगे? बबुआ तो कर टीचर ने कहा फिर मुर्गा बनाया। नहीं, लेक्चर दिया कि वीडियो गेम खेलने और स्ट्रॉबेरी केक खाने को जिंदगी नहीं कहते। यार इसने जो किया था, हम तो का सीरियस नहीं देख सकता हूँ। मुझे भी हीरो बनना है और मॉम डैड के इस लाल कलम रोशन करना है ताकि लोग मुझे हमेशा याद रखे। ये तो बहुत ज्यादा काम है, हमको लगता है हम तो काम नहीं करूँगा। दोस्त के काम नहीं आएगा तो क्या दुश्मन आएगा? तुम्हें सुपरस्टार के लिए गाना बनाना ही होगा ताकि मैं फेमस हो जाऊँ। हाँ, ये काम हम कर दूंगा। खावा लोनावाला की चक्के और दिल्ली जानी के थारोल में थे। मुझे नहीं लगता कि आइडिया काम करने वाला है। सबका पेट खराब हो गया है। ये बता, हीरो बनने के लिए मुझमें क्या कमी है? 100 कमियों में से पहली है स्मार्ट है, और दूसरी ये है कि तू उन बड़े लोगों की तरह भलाई का काम नहीं किया है। ये हमारी बिरादरी को हड्डियाँ बांटता था, और ये शनिवार को गरीब में अनाज बांटता था, और ये तेरी तरह गुणपत था। आगे तुम खुद ही समझ जाओ। अब भेजो मैं तुम्हारी बात खुशी, मुझे लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए अच्छा काम करना होगा, फिर मैं फेमस, फिर हर एक पेपर मैगजीन में सिर्फ मेरा ही फोटो छपेगा। सपने मत देखो। ये सपना नहीं, मैं उन अच्छे लोगों का अच्छा हीरो बन के रहूँगा। आप मुझे एप्पल सॉस खाने क्यों नहीं देती? मुझे सॉस के बिना मजा नहीं आता है। इतना मिट्टी खाएगा तो एक्टिंग तो खुद मिट्टी बन जाएगा और तभी मक्खी तुम पर बिटिंग करेगा। ये एक अच्छा काम हो सकता है, क्या तुम इस काम में मेरा साथ दोगे? तुम ऐसा बार बार जिद किया ना तो तुमको सॉस तो जरूर दूंगी, लेकिन एप्पल सॉस नहीं मिलेगा। है? सुनिए, मुझे एप्पल सॉस देना। एप्पल सॉस? एप्पल सॉस नहीं है। मुझे अभी एप्पल सॉस दीजिए वरना मैं स्ट्राइक कर दूंगा। देखो, जॉनी हमारे एप्पल सॉस राइट के लिए फाइट कर रहा है। हम स्कूल में गंदा खाना नहीं खाएंगे और आप वो दोगे जो हमें चाहिए। चलो बजाए धूम। मैं देने ही वाली थी बेटे, बस किसी में इतने प्यार से पहले रिक्वेस्ट नहीं की जैसे तुम कर रहे हो। आओ जितना जी हो उतना ले जाओ। तुम हमारे हीरो हो जॉनी।
होस इस दरवाजे के पीछे है। तरह आज का दिन कैसा? आंटी ने घंटी बजा दी, फिर अंदर बत्ती बुझ गई। बच्चों को उनका हौस चाहिए, आंटी को नहीं छोड़ूंगा। तुम चलो मेरे साथ, एप्पल सॉस पर चड्डा हक है, कैंटीन की बीन बजा दूंगा। जॉनी ये पागल पगली बंद करो, हम नए इन्वेंशन हाई बड़े फटफट पर रिसर्च कर रहे हैं, तभी तो समझा करो। हाई बड़े फटफट एक्सपेरिमेंट भाड़िया, नहीं छोड़ूंगा। एप्पल सॉस चाहिए वो मोटी आंटी, नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? हमें दूसरे नंबर पर थी और कैंटीन की मोटी हर दो सेकंड में हमें उबले चने खिलाती, हम उसे थोड़ा सा एप्पल सॉस मारते पर हमें टेरेस पर ताला लगाकर बंद कर देती। सेम स्टोरी, इस बार तुम्हारी हेल्प हम जरूर करेंगे। उस कैंटीन की मोटी को तो हमें भी सबक सिखाना था। मैं तुम्हारे दो चार इन्वेंशन ले जाता हूँ, ये वाला और ये वाला भी, और अब चाहिए मुझे बहुत सारे एप्पल्स। अब उस आंटी को मुझसे कौन बचाएगा? एप्पल सॉस किसको चाहिए? फिर कभी मुंह खोलोगे? किसे चाहिए एप्पल सॉस? रिटायर हो जाओ आंटी, भाइयों और उनके बहनों एंजॉय करो ये जॉनी का बना हुआ एप्पल सॉस। वाह, ये तो कमाल का एप्पल सॉस बनाता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जॉनी एप्पल सॉस, मैं तुमको कल देख लूंगी क्योंकि आज मैं बहुत थक गई है। सुपर हीरो जॉनी एप्पल सॉस के लिए तुमने गाना तैयार कर लिया? बन तो गया, बस लिखना बाकी है। जल्दी वरना तुम्हें चेक मार दूंगा। चलो काम पे लग जाए। चलो ये लॉक है, अब अंदर कैसे जाएंगे? एप्पल सॉस तो कभी नहीं मिलेगा, मिलेगी तो सिर्फ उतनी हुई चक्रिया। दुनिया का कोई भी दरवाजा जॉनी को रोक नहीं सकता। पीछे हो जाओ ड्यूकी। पहला अंतरा तैयार है। अरे पूरा गाना तैयार करो। और आवाज़ों का बताई का है एप्पल सॉस, ये है माँ के प्यार जैसा लंच हो जाए खास। हर टीम में ताकत इतने बच्चों, हर मुश्किल आसान, चमके खाओ बच्चों तुम तो आ जाएगी जान। जानी जानी एप्पल सॉस, ताकत इसमें इतनी जैसे माँ का प्यार। जानी जानी एप्पल सॉस, इसमें बहुत नेचुरल ताकत है। दूसरे फलों का फैल तो भैया सब है ये बेकार, जॉनी सॉस को टपके देखो हो जाएगा प्यार। फिर चाहे हो कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम और चॉकलेट, जॉनी सॉस की धूम मची है, खा लो पी लो भर कर पेट। भाई जॉनी सॉस है इतना प्यारा, बच्चे बूढ़े नारी नर सब पीने के बाद नहाने लगे हैं, देखो क्या क्या कर जॉनी की मेहनत रंग लाई, उसने बनाया ये प्यारा जूस, उससे बढ़िया कुछ नहीं भैया चाहे प्यारा हलवा हो। बढ़े एक दिन मोटी भैंसवान नाराज हो गई, चिल्ला कर कह दिया कि बहुत हो गई। आंटी दिखाई नहीं दे रही है, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जॉनी एप्पल सॉस से वो डर गई। मर गया, मैं अपनी कैंटीन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप मुझसे लड़ेंगी? मैं चॉकलेट हीरो हूँ। अच्छा, पर शायद तुम नहीं जानते, कभी कभी हीरो फिर से जीरो बन जाते हैं। क्या ये नहीं हो सकता? क्या हाँ ये ठीक कह रही है, कभी कभी होता है। जॉनी एप्पल जूस को हराने के लिए भी कोई न कोई खड़ूस एक दिन जरूर आएगा। ये अलग बात है कि अभी ये लटक रहा है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि हीरो बनने में रिस्क है? तुम्हारी खुशी में हम दुख का तड़का नहीं ना लगाना चाहता हूँ। गुड बाय जॉनी एप्पल सॉस।
क्यों आ रहे हो? मैं तो घर से टिफिन लाया हूँ। मुझे एप्पल सॉस नहीं अच्छा लग रहा। यह क्या तमाशा चल रहा है? तुम दोनों की दिशुम दिशुम ने हमारे कैंटीन का खाना और मेरे मूड दोनों को बिगाड़ दिया है। रुको जाओ, जरा इस एप्पल हेलमेट को तो पहले उतारो। अब समझा? प्रिंसिपल सर, मेरी बात तो सुनिए। सॉरी बेटा, अगर तुम्हें एप्पल सॉस और चाहिए था तो स्कूल कमेटी को लिखकर एक एप्लीकेशन देते, हम तुम्हें रिसर्च में वो भी दे देते। कैसा एप्लीकेशन? इस तरह का, अगर तुम सारे स्टूडेंट्स एक पेपर पर ये लिखते कि हमें रिसर्च में खाने में कुछ हेल्दी और टेस्टी मिले तो हम अपना मेन्यू बदल देते। कुछ भी फेंकता है, मेरा मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रिंसिपल सर। दुनिया में हम बिना लड़ाई झगड़े और मार पीट के शांति से काफी मसले हल कर सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा मतलब कि आपने जो कहा सही कहा। गुड, अब जाओ अपनी क्लास में फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के सिग्नेचर लो और स्कूल का खाना बदल डालो। जीत हमारी हुई। बस इस पर साइन करो और कल शाम को एप्पल सॉस मिलेगा। ओके, तो फिर तुम बच्चे लोग को चॉकलेट पुडिंग चलेगी? तो यह टू स्टोरी कैसे बना जॉनी एप्पल सॉस, उसके बाद कैसे बन गया वो चॉकलेट पुडिंग। गर्मी से हाल बेहाल, डरने की नहीं है कोई बात। करो घर के पंखे भी चालू और पियो ठंडा ठंडा जूस। 95 डिग्री। चलो ड्यूगी, हम पूल में जंप लगाते हैं। मोटरसाइकिल बना लेते हैं घर के पीछे। पानी का पाइप फूट गया है, पानी नहीं आएगा। अब उठने का क्या लोगे? उठ रहे हैं जी, आप जाके कहीं से पानी का बंदोबस्त करो। क्या शहर में ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ मैं और मेरे डॉगी, मेरी तो डंबो सिस्टर, पानी का बंदोबस्त करे। यहाँ नई कोई आबादी, पानी है ब्लू और देखो ढूंढने वाली रस्सी भी है। राक्षस से भी बचाएंगे, कैसे बचेंगे? आप सब लोग इस प्यार की नैया में छैया छैया करने आए हैं, तो प्यारे टूरिस्ट तैयार हो जाइए, मैं आपको आज फेमस लेक पोकनेस मॉन्स्टर दिखाने वाला हूँ। आगे नहीं बढ़ाइए बबुआ, ये तालाब में पहले कोई भी नहीं गया है। कभी यहाँ इंसान और डॉगी को खाने वाला रास्ता। अरे बुड़बक, काहे को कहीं सुनी बातों पर यकीन करते हो? हम सब यहाँ मजा करने के खातिर आए हैं और तुम ससुर के नाती राक्षस की बात करके हमारा मजा क्यों किरकिरा करत हो? भाई और उनकी बहनों, आप अपने परिवार वालों के लिए पोपनेस मॉन्स्टर सो विनर्स हमारे मशहूर फ्लिंग टूरिस्ट बस पोपनेस मॉन्स्टर सुपर स्टोर से खरीदना ना भूले। देखिए हाँ, यहाँ तो गिफ्ट शॉप भी राक्षस के ही नाम से है। अगर यहाँ शॉप है तो खुद राक्षस भी तो होगा। एक प्लान है, तुम पहले चैंपियन स्विमर्स इसमें कूदो, अगर वापस आ गई मतलब इसमें मॉन्स्टर नहीं है। डर लग रहा है तुम्हें? ऐसी बातों पर यकीन नहीं, यही टाइम है प्रूव करने का कि तुम डेयरिंग बास जॉनी की डेयरिंग बास सिस्टर हो। चलो जल्दी पानी में कूदो। हम ये साबित कर देंगे कि मॉन्स्टर जैसी पतली चीज होती ही नहीं है। तुम टाइम वेस्ट कर रही हो। चलो तो गई, चूड़ा झूलने का टाइम। हमको कौन सब नहीं है, तुम तो बस नाम के डॉगी हो, तुम्हें तो डरपोक मुर्गी बुलाना चाहिए। ठीक है, यही रुको, टाजन का स्टंट देखो। कमाल कर दूंगा।
ने हमको किरदार नहीं पहना। हाँ पर फिकर नॉट, आज हमें यहाँ कोई काले वाला मछिया है, मॉन्स्टर तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। बहुत अच्छे, टूरिस्ट लोग यहीं पर कुछ देर शॉपिंग करते रहेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। राक्षस यहाँ से ऑपरेट किया जाता है और इस टूर गाइड से इनको पैसा का खातिर ही सब कर रहा है सर। और इसकी वजह से कितने बच्चे स्विमिंग का मजा नहीं ले पा रहे। तुम देखो बढ़िया में कौन सा प्लान है? बताता हूँ, हम ये बटन दबाएंगे और वो मॉन्स्टर किनारे पे आ जाएगा और सबको असली पता चल जाएगी। वो चला जाएगा जेल में और फिर मर जाए मर जा। वो रेड बटन नहीं दबाने का, लाल बटन नहीं दबाना चाहिए। रेड का मतलब साफ, ग्रीन का मतलब गो। मॉन्स्टर लॉन्चिंग स्टेशन, रेलवे ट्रैक, लगता है काफी कुछ कारा है। काली दाल मुझे बहुत पसंद है, चलो हम नया इन्वेंशन बना दे पानी में काली दाल बनाने का। चलो अब मैं कूल बटन दबाता हूँ। ये क्या झोल है, मैंने तो ऐसी सेटिंग नहीं की थी। इसकी बच्ची को देखो कैसी आ रही है, ये तो मुझे कच्चे से खा जाएगा। कितने दिनों से बिना काम के मुफ्त की सैलरी लिए जा रहे हो तुम लोग? क्या कहा, लेक में खूंखार मॉन्स्टर है। लक्ष्मी राक्षस को देखते इन सबका बच्चे गुल हो गया है। हमें क्या, मॉन्स्टर असली हो या डुप्लीकेट, तुम्हें तो पता है हम मैदान छोड़कर कभी नहीं भागते। वो क्या है? मॉन्स्टर ने हमें खा लिया। अरे जल्दी से मुंह खोलने का लीवर खींचो जल्दी, तुम्हें पता है कौन सा है वो। गड़बड़ी खराबी गड़बड़ी खराबी गड़बड़ी। चलो लाल बटन दबाए। ऊका नहीं, इन लीवर को खींचिए, ना टूटी है। चलिए गियर में डालिए चैंपियन। ओह ये तो ग्रीन हो गया कैसा है। रिवर्स मोड। प्रॉब्लम है ये मॉन्स्टर के पैर पर हम खुद हैं। इतना चिल्लाता है जॉनी बच्चा, राजा चा। घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक बाहर मॉन्स्टर का खतरा है तब तक तुम मेरे सुपर स्टोर से बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो। सबसे ज्यादा शॉपिंग करने वाले टूरिस्ट को मैं बैक डोर से घर भेज दूंगा। लोग यहाँ पे हैं, हम मिलिट्री के साथ हाइड एंड सीक खेल सकते हैं। मिसाइल फायर। मामा, मेरा सारा बिजनेस चौपट कर दिया। चलो जंगल में पिकनिक बनाने का टाइम आ गया, ये चले। हटाओ इन पेड़ों को। तो मिलिट्री वहाँ कभी पार नहीं करेगी। चलो शहर उड़ा दो उस मॉन्स्टर को। आइडिया, जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं वहाँ मिलिट्री कभी पार नहीं करेगी। लगातार हमला करते रहो। चलो लेक में छुप जाते हैं। कहाँ भाग गया वो डक?
चॉकलेट मॉन्स्टर। ये तो बड़ी है, हमें होटल तो मिल गई। मॉन्स्टर को वाटरफॉल से नीचे फेंक देते हैं, हम दोनों ऊपर से निकल जाएंगे, बच जाएंगे। मॉन्स्टर पानी में डूब जाएगा और हमारी नैया पार हो जाएगी। बढ़िया, पर ये करेंगे कैसे? सारी आइडिया तो मैं दूंगा। अगर हम उसे टकराएंगे तो हमारा सिर फट जाएगा। सही लाल बटन दबाइए। और ये एक बटन बचा है। आगे चैन की तरफ बढ़ रहा है। नहीं बचा, एक दबाओ। वो रेड बटन तो कमाल का निकला। मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, फटीचर हो गया, मेरा सुपर स्टोर भी नहीं रहा। क्या बात है, इतनी गर्मी में हम बच्चों के लिए यही एक जगह है जहाँ पर हम लोग दमल मस्ती कर सकते हैं। चलो आप पानी में स्विमिंग का मजा लिया जाए, वो भी फ्री में। तो जल्दी कीजिए, इन कीचड़ वाले मॉन्स्टर्स का टी शर्ट घर पर ले जाना ना भूले। की कोशिश कर रहे थे। पानी में मौजूद है, सुन लो ना। दिवाली के पटाखे फोड़ते रहो। यहाँ के लोग भी आतिशबाजी से खुशी मनाते हैं। पटाखे फोड़ते रहो। दुश्मन वहाँ हमें साफ कर रहा है और तुम यहाँ नाक साफ कर रहे हो। सर जी, कल इसने ज्यादा ठंडा ठंडा कुल पी लिया था। आज गंदा। हमारे दुश्मन है सूजन, मैरी और जॉनी टेस्ट। तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा टीम ने अपने पिप्पी डॉगी के साथ कटरीना तूफान से भी बड़ा तहलका मचाया। मान जाने वाला प्लेन सभी स्टेशनों पर रुकेगा। हिल तो सर, आपको कुछ करना होगा। सारे काम मैं ही करूंगा तो तुम दोनों काम चोर क्या खाक करोगे। एक और बात, अगर इस बार तुम दोनों फ्लॉप होकर आए तो मैं काम से। दूरबीन लेकर क्या बीन बजा रहे हो? नहीं, हम यहाँ पे बीन नहीं बजा रहे हैं, हम यहाँ तुम लोगों की खुफिया तरीके से जासूसी करें जो कोई नहीं जानता। तो किसी को ये बात कानों कान पता नहीं चलनी चाहिए। अब तुम इसे गटक सकते हो। जॉनी का बैग स्कैन हो रहा है। अब जॉनी स्कैन हो रहा है। अब तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ। हाय सुजन और मैरी, मेरे घर पर आज पार्टी है, अगर तुम दोनों बहने चाहो तो। डायरी में नोट कर लो, ये दोनों आ रही हैं और मेरे लिए फ्री पास जरूर रखना, क्योंकि मैं भी आऊँगा। पार्टी में भटिंडे के अंडे, बैंगन पकौड़े, लहसुन की चटनी जरूर रखना, मुझे बहुत पसंद है। लगता है मुझे पार्टी मनाने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। बाय। जॉनी को हाय कहना। सुनो, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि तुम सब पर कड़ी नजर रखनी है। वैसे नीचे का मौसम बहुत अच्छा है। तो तुम्हारे भी वही फटे हाल है जो हमारे हैं। नो इन्वेंशंस, नो एक्सपेरिमेंट्स। जल्दी नाक पे चलो।
नजर से हम इसे बहुत छोटा बना देंगे कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखेगी। नहीं नहीं, हम रिस्क नहीं लूंगा। तुम्हारी बातों में आकर हम चीटी जितने हो गए और कहीं गायब हो गए तो क्या होगा? याद रखो, तुम्हें इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें ऑटोमेटिक वायलेट है और एक चकाचक ढाबा है। अंदर से लाइफ सेट है, अब तुम्हें छोटा करेंगे। पहले मिस्टर ब्लैक और फिर मिस्टर व्हाइट की बॉडी में जाओगे और स्पेस में जाने के बाद ऑटो पायलट तुम्हें दिमाग तक ले जाएगा और उनकी सारी मेमोरी डिलीट कर देगा। जब मेमोरी डिलीट हो जाएगी तब वो जासूसी करना बंद कर देंगे। वो सब ऑटो पायलट का काम है, तुम अपना बेटा मत चलाओ। अगर बीच पेट में कहीं केमिकल लोचा हुआ तो हम तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आगे ट्रेन को कैसे चलाना है और बाहर कैसे लैंड करना है। जॉनी, हम नहीं करेंगे। ये चीटी जितने छोटे हो गए, इनकी नैया तो डूब गई। इन डुप्लीकेट के पीछे भाग भाग कर हम थक गए हैं। गलती से मिस्टेक हो गई। अगर आपने हमें माफ किया हो तो प्लीज इसे पी लीजिए। मजा आ गया दोस्त। अब मेरा ग्लास कहाँ है? ढोकला, समोसा, रबड़ी खाने का बहुत शौकीन है ससुर किनारे। चल स्टैच्यू वाले ऑटो पायलट मिस्टर ब्लैक के दिमाग में एंट्री मार, मेमोरी डिलीट कर और मेरी परेशानी दूर कर। क्या हुआ? ये गैस, खट्टा डकार, प्रेशर, मतलब कहा? घंटी बज गई। लफड़ा हो रहा है, ऑटो पायलट खुश हो गया। ये तो पूरा खुश हो गया। हेलो, यहाँ इमरजेंसी है, हम लोग फंस गए, बचाओ। लॉस्ट कॉन्टैक्ट, इसका क्या मतलब होता है? कुछ नहीं, ये बेमतलब की बात है। ए बबुआ, ये इमरजेंसी बटन दबाते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। पहले मुझे मेमोरी डिलीट करनी है। 24 घंटे में कंप्यूटर पे बैठा रहता हूँ, इसका कुछ तो फायदा हो। ये क्या हो रहा है वहाँ? पासवर्ड जनरल टेस्ट जॉनी। जॉनी, सुजन और मेरी की जासूसी करो, ये मेरे ऑर्डर है। मैंने चिल्ला दिया, अब मेमोरी डिलीट करते हैं। सिल फटा जा रहा है, कहीं ये ब्लास्ट ना हो जाए। ओहो, आप बहुत नहीं कह सकता। ये डॉगी की तरह तुम क्यों हिला रहा है? लगता है दिमाग का तार टूट गया और डॉगी वाला क्रॉस कनेक्शन तार दिमाग में जुड़ गया है। डॉगी, ये ले क्या? ये तो चला गया, तुमने जूस जूस में क्या मिलाया था? अब आपको सदमा पहुंचाए बिना मैं कैसे कहूँ? जॉनी, क्या व्हाइट के पेट में है? जॉनी, मतलब वो जूस से पेट में गया? अब तुम्हें ऐसे खतरों एक्सपेरिमेंट से रोकने के लिए यहाँ है? हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं। चलो, अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करते हैं और बटन दबाते हैं। बस थोड़ा सा केमिकल लोचा हो गया है पर जब प्लेन का पावर खत्म हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। और टिकट का चार्जिंग खत्म हो गया है। मैं ठीक हूँ, दिमाग ठंडा हो गया। देखा, क्या पावर खत्म हो गया? असर कनाती, हम यहाँ लटकते हो, हम यहाँ बिना शादी के पैसे रहेंगे। मेरी दो डम्बू बहने हम यहाँ से निकालने के लिए कुछ न कुछ सेटिंग करेंगी। सो चिल, हमने उसे मिस्टर ब्लैक के भेजे में भेजा, शायद हमारा भेजा जरूर ट्राई कर देंगे। और अगर तुमने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो जनरल हम दोनों नमूनों का ट्रांसफर कर देंगे। तुम सबको अपनी पड़ी है, मेरे पेट में वो बिना रेंज के रहेंगे, उसका क्या? हाँ, एक आइडिया है जो शायद हम सबकी जिंदगी बदल कर रख देगा। टाइम पास कर रहा हूँ, वीडियो गेम खेलने की ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि हमें बचाने के लिए कोई ट्राई नहीं कर रहा। जॉनी, तुम्हें छोटे से प्लेन से बाहर निकलना होगा, प्लेन के कूदने वाले केबल्स को मिस्टर ब्लैक के भेजो से कनेक्ट करना होगा, समझे? ठीक कहे, मिस्टर ब्लैक का दिमाग बहुत तेज है, उससे हम अपनी सारी बैटरी को चार्ज करना चाहे। और जो कहीं होश मत।
अगर कहीं ऑन द वे सर्दी का वायरस तुम्हें दिखा तो साइंस की कदम मत छूना। वरना मुझे सर्दी हो जाएगी। अच्छा स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? ऐसा होगा अगर तुम नॉवेल साइड के होते, पर इस वक्त तुम चीटी के साइड के हो, मतलब तुम्हारा लेट हो जाएगा। जल्दी करो, जल्दी का वायरस आ रहा है। चार्जिंग नहीं हो रही है। 420 वोल्ट का झटका दो मिस्टर ब्लैक बॉक्स। दिमाग को आगे बढ़ाएगी और जो अपने काम को लेते ही कराएगी। जल्दी मुंह में ठूस। देखो ये आगे इलेक्ट्रिसिटी। चिपड़के जाते हैं। ये आ गया सर्दी का वायरस। थोड़ा और खा लो। ये लगाओ मुन्ना। फिर से चक्कर आ रहे हैं। अमरी जमीन, हम तुमको बहुत प्यार करता हूँ। I love you। हमारा भैया आ गया। अगले एक्सपेरिमेंट का बकरा बने। आप हमारी जासूसी क्यों करते हैं? हम तो अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वैसे जासूसी करना मजबूरी है, हमें तो हॉलीडेज पर जाना पसंद है। पर खलूस जनरल हमें हॉलीडे नहीं देते, और हॉलीडे किसे अच्छी नहीं लगती। अब उन्हें भी जूस पिलाई देते हैं। ब्लैक व्हाइट, जूस के लिए शुक्रिया। आज से तुम्हारे सारे काम मैं करूंगा, तुम दोनों छुट्टी पर जाओगे, ये मेरा ऑर्डर है। आते हो जी, ठंडे पानी में नहा ले। नहीं, हम पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई बाद में, नहाना पहले। काहे? पिछले हफ्ते ही तो नहाया था। तुमसे गंदी बदबू आ रही है। तुम्हें आजकल हो क्या गया है? मैं इतनी तंगी में भी अपने शिक्षक शो कर रहा हूँ। बबुआ, हीरोगिरी करने से कोनो फायदा नहीं है, तू बीमार पड़ जाई है। कपड़ा पहनो। मुझे सर पे उठा लिया तुमने तो, आसमान को सर पे उठा लिया। मैं तुम्हारे नब्बे अपने कंधों पर उठा के घूमता हूँ, तब तुम्हें मैं माथू लगता हूँ। अच्छा चलो जल्दी से डुबकी लगाओ। कुल्फी जम गई। ये गरम चाय मैंने बनाई है। ए बबुआ, तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। इससे मेकअप मेकअप करो ना, मुझे प्रॉपर जजमेंट नहीं मिल रहा। अरे ससुर के नाती, वैसे कभी हमको हड्डी तक नहीं दिखाया, आज हम जलेबी बॉय बन गया हूँ तो कैसा भाग रहे हैं ससुर। इस सब तो हमको गुड़बक भी नहीं, गुड़बक भाग रहा है। ये कैसे पुलिस बातें करते हो? तुम्हारे डॉगी वर्ल्ड में किसी को किसी की पड़ी है? ये भी कोई लाइव है? सब बकवास है। तुम्हें दोस्ती की कसम बताता हूँ, बताता हूँ। ये देखो बाबा, ये कहते हैं पूछ पकड़ के, उसकी पूछ खुद पकड़ के। तुम्हारे सर्कस की दुनिया से मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। बहुत बढ़ाई मारी, अभी हवा आने दो। काहे बुड़बक की तरह पोती आ रहा है सत्र के नाते? हम सुपर हीरो हैं। सारी गाड़ी से तेज हमरे स्पीड है 40 किलोमीटर, और हमरे नाक तुम बुड़बक इंसानों से ज्यादा वजन उठाती है मालूम। हमका सब कुछ मिल जाता है, थोड़ा चूरन देना पड़ता। देखता है पर गुड़बत्तू का जाने की डॉग होने में कितना मजा है। शानदार और मजेदार जिंदगी होती है डॉगियों की। वो डॉगी बनने लैब तो नहीं चला गया? इंसान जानवर में बदला मशीन, इससे इंसान कोई भी जानवर बन सकता है। और मेरा चिली बेबी तो एनिमल लवर है, मैं सोच रही हूँ अपने बंदरिया बनकर अपने बंदर को इंप्रेस करूँ। हमें पहले इस इन्वेंशन को जॉनी पर टेस्ट करना होगा, क्योंकि इंसान लेवा हो सकता है। और तुमसे अच्छा बकरा कहाँ मिलेगा? इतनी तारीफ अंदर अब और इंतजार नहीं होता। नहीं पा रहा है, कहे नहीं बोल रहा है। रिपोर्ट में क्यों बंद होगा? क्योंकि तुम्हारा आउट गोइंग बंद है। तुम्हारे मुंह में और पेट में कब
अभी भी कुछ भी टिकता नहीं। डैड को बता दोगी तो बस बस। अब हमरा कमाल आ जाओ जोनी बबू, हम तो कल लेकर चली है डॉगियों के शानदार दुनिया में। चला बबुआ, हमारी बारी। चलो ना हम लोग चिली बेबी के गले पड़ जाएं। हाँ, ताकि वो हमें उठाए, सहलाए और प्यार करे। अरे कुमा, इतने भयानक जानवर कहाँ से आ गए? बताओ इन्हें। हम तो कह कहे थे बबुआ कि ये बहुत मजेदार है। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉगी गेम्स है जो तरह तो बहुत मजेदार लगेंगे। अब तो टाइम हो रहा है खंभे की तरफ जाने का। जॉनी, जॉनी, मिल गया खाना। स्कूल हो गया, स्कूल से छुट्टी और डैड की डांट से भी। अपनी मर्जी से कुछ भी करो। वाह, थोड़ा हल्का हो गया। लेकिन ये क्या, मैं कहाँ पहुँच गया? सड़क छप जाए तो हम लोग सब सेट हो गया है बबुआ। अब सब तो का हाथ जोड़ी है। ओ, तो दुश्मन ने गाड़ी खरीद ली है। लोग मैंने कुछ कुछ बने। घबराओ मत बोलू, पहले मैं इसे फ्रिज में डाल दूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ ऊँची करूँगा। गलती से मिस्टेक हो गया। आगे पुप्सी, कितना अच्छा नाम है ना तुम्हारा पुप्सी। नहीं, मुझे यहाँ से ना तैयार होना पड़ेगा। ज्यादा चलाकी मत करना, तुम्हारे गले का पट्टा इलास्टिक का है, ज्यादा जोर लगाओगी तो गर्दन टूट जाएगी। मुझे यकीन है कि तुमने आज से पहले ऐसी सैर कभी नहीं की होगी। और मैं कभी चलना भी नहीं चाहता। ठंडे ठंडे पानी से नहा लो, वैसे भी तुम्हारे बदन से काफी बदबू आ रही है। मैंने तो ड्यूटी पर भी ऐसे अत्याचार किया था। सुसन, पानी। पड़ोसी बोलने वाले शेर देखकर भीगी बिल्ली बन जाएंगे। तू बिल्कुल सही कही हो। जॉनी पालतू डॉगी बन गया है, कर लो जो हमें से पहले, हमें कुछ करना चाहिए। हम बिजी हैं, लैब जाओ और एक दिन के लिए जीनियस बन जाओ। जॉनी को बचाओ और तब तक वापस मत आना जब तक हम किल के दिल में एंट्री न मार ले। किल के डॉगी की तो हमें देख कर हवा टाइट होने वाली है। हम दोनों कितने जीनियस है ना। लायन, तुम्हें भूख लगी होगी, गिल के पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। लगता है फ्रेंडशिप रिबन लेने गया है या फिर फ्रेंडशिप का ग्रीटिंग कार्ड। क्या तुम पुंगी बजाने वाले हो? हाँ, तुम्हारी। हेलो सर्कस वाले, क्या तुम मेरे साथ गर्मा गर्म चाय पीना चाहोगे पूपसी? बच्चे फांसे हैंडसम लड़के को लड़की बना दिया। चल भाग धन्ना। दोबारा भागने की कोशिश की ना तो इतने पंखे मारूंगी कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी, समझे? तुम्हारी इस बार बार भागने की आदत से मैं थक गई हूँ, इसीलिए तुम्हारे गले में ये डिस्को लाइट पट्टा डाल दिया है। एक बार इस जॉनी को नीचे तो रख के देखो, ऐसा ना चाहूंगा कि तुम भी याद रखोगी। धीरे से लगा, लगता है इस 440 बोल्ट की झटके से तुम्हारी अकल फूट में आ गई होगी। तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? नहीं, तुम्हारे टॉर्च ऐसे बच रहे हैं। जॉनी दिमाग का शटर खोल, सोच डॉगी क्या करते हैं। सुसु खुजली नहीं नहीं पूछती, चाहे जितना भी तुम मस्का पॉलिश कर लो, मैं नहीं बिगड़ने वाली। ठीक है, अब आंखों से वॉटरफॉल गिराना बंद करो, बस कुछ देर के लिए।
में नजर लग जा बबुआ। अब फिक्र का बात नहीं, उनके साथ उनकी बहने भी तो है। किया था। अब तुम सारे जानवर इसी पिंजरे में चुपचाप बैठे रहो, अगर फड़फड़ाए तो मैं तुम्हें सर के बालों को बेच दूंगा। हाँ जॉनी, तुम काफी स्मार्ट लग रहे हो, तुम दोनों भी बहुत कमाल लग रही हो। फिलहाल यहाँ से निकलना है। मेरा मतलब हम अंग्रेजों के जमाने के मूछों वाले जेलर हैं। मेरे साथ एक डॉगी और दो चश्मे वाली शेरनिया थी, और मुझे इस बात का डर है कि उनका कहीं गलत इस्तेमाल ना कर दिया जाए। मैं उन्हें यहाँ लेने के लिए आया। शेरनी किसे लगा रहे हो? मतलब तुम इस शेरनी की बात कर रहे हो? क्या मैंने अपनी शेरनी लगा ली? वो देखो, तुम्हें कोई शेरनी लगाने आया है? क्योंकि अपनी जान पे खेल कर तुम्हारे लिए चाबी लेकर आया है, तुम आजाद हो। पहली बार तुमने हमका गले लगाया तो तुम सब मिलकर मुझे शेरनी लगाने वाले थे। और बस कुछ करो, चिंता नहीं करा, हम तैयारी का साथ आया है। भागा भागो, मैं देखना चाहता हूँ कि चोर भाग से कैसे हैं। चिंता नहीं, हम इसका भी इंतजार करके आया। तुमने उसकी जान उड़ा दी? हाँ, अरे हम ऐसे जानवरों जैसा काम बिल्कुल नहीं करता। बच गया, धमाके ने तो मेरे सारे पैर पार ढीले कर दिए, अब मैं इन जानवरों के पीछे कभी नहीं पड़ने वाला। चोरी तुम्हारी बारी। मेरे प्यारे दोस्त, आज डॉगी बनकर मैंने बहुत कुछ सीख लिया, जैसे कि मैं हमेशा तुम पर फौजगिरी करता था, पर अब तुम चाहो तो मुझसे बदला ले सकते हो। क्या कहते हैं ड्यूकी? ड्यूकी, कटिंग चाय पीने से दुश्मनी भी कट हो जाती है। खूब मार के पीने का।